हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, कल हम सभी ने सेवन्थ चैप्टर की शुरुआत की थी और आज की क्लास में हम 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के आगे करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें हमने दो क्लासें अटेंड कर ली हैं और आज तीसरी क्लास है इसकी, और तीसरी क्लास में हम 7.2 प्रॉपर तरीके से खत्म करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था इसका, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लीजिए बच्चों, आपके पास दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट है आपके पास 4 और -1 और बी पॉइंट है आपके पास -2 और -3। अब आपसे कहा गया कि इस ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट किया गया है, तीन बराबर भागों में बांटा गया है, पी और क्यू। क्या बांटा गया है? पी और क्यू। ठीक है, और अगर ये पी और क्यू में बांटा गया है, तो इस हिसाब से बांटा गया है कि तीन इक्वल पार्ट्स हो जाएं। और बच्चों, हमने फॉर्मूले में, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या सीखा था कि जब भी बराबर पार्ट्स में किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है तो उनके बीच का रेशो 1:1:1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1:1:1 होता है जब भी हम लोग किसी भी पार्ट को इक्वल पार्ट्स में, किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा खंड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो बच्चों वो 1:1:1 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात यह आती है कि आपसे कहा गया पी पॉइंट और क्यू पॉइंट फाइंड कीजिए। ठीक है जी, अब देखिए, हम इसमें मिड पॉइंट भी नहीं लगा सकते बच्चों, क्योंकि मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर मान लो मैं क्यू मिड पॉइंट मानता हूं तो किसका मानना पड़ेगा? बी और पी का, क्योंकि इनके बीच में 1:1 है, लेकिन पॉइंट तो है ही नहीं। अगर मैं ए क्यू मानता हूं तो पी पॉइंट मिड पॉइंट बनेगा, लेकिन मेरे पास तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो हमें बच्चों सबसे पहले या तो पी पॉइंट या तो क्यू पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैं क्यू पॉइंट को भूल जाता हूँ, अगर बच्चों मैं क्यू पॉइंट को भूलता हूं तो देखिए, पी से लेके बी तक 1:1 कितना बन जाएगा जल्दी बता दो, 2 बन जाएगा कि नहीं? यहां से लेके यहां तक का 1 और यहां से लेके यहां तक का 1, तो 1+1 2, और ये कितना हो गया 1, तो 1:2 कितना हो गया? 1:2, मतलब एपी से लेके बीपी तक, एपी से लेके बीपी तक रेशो आ गया 1:2। अब आपको पता है कि जब पॉइंट दिए हों और रेशो दिए हों तो हमारे लिए पॉइंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स ए 4-1 एंड बी -2-3 मेक्स अ लाइन ए बी विच इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट पी एंड क्यू, एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, दिए गए, ए बी पर दो बिंदु ए बी के दो बिंदु ए 4-1 और बी -2-3 है जिसे पी और क्यू पर त्रिभाजित किया गया है। वेयर एपी रेशो बी पी इज इक्वल टू 1:2 सो पॉइंट पी इज इस प्रकार, पी बिंदु है। हाँ जी बच्चों, पी बिंदु है, क्या है पी बिंदु जल्दी बता दो। हाँ जी, फॉर्मूला लगाएंगे m+n
प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। एम कितना है? वन। एक्स टू कितना है? माइनस टू। कहां से पता किया? यहां से। एन कितना है? टू। एक्स वन कितना है? फोर अपॉन में वन प्लस टू। एम कितना है? वन। वाई टू कितना है? माइनस थ्री। एन कितना है? टू। वाई वन कितना है? माइनस वन अपॉन में वन प्लस टू। माइनस टू प्लस फोर टू जा एट अपॉन में थ्री। माइनस थ्री और ये माइनस टू अपॉन में थ्री। तो पी पॉइंट कितना आ गया? आठ में से दो गया छह बटा तीन और ये माइनस का पांच बटा तीन। तीन से छह कटेगा दो। तो आपके सामने बच्चों पी पॉइंट हाजिर है। पी पॉइंट हाजिर है कितना? टू और माइनस फाइव बाय थ्री। यानी बच्चों आपका जो ये पी पॉइंट था, आपका जो ये पी पॉइंट है कितना आ गया? टू और माइनस फाइव बाय थ्री। और अब बच्चों क्यू पॉइंट लिख दो। अब क्या लिख दो? क्यू पॉइंट लिख दो वापस। क्यों? क्योंकि हमें क्यू भी तो निकालना है। तो देखो अब अगर आप P से लेके Q तक का रेशो देखेंगे तो 1 है और B से लेके Q तक का भी रेशो देखेंगे तो 1 है। और आपको पता ही है कि जब हमारे पास 1 रेशो 1 की कंडीशन बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। सो नाउ PQ रेशो BQ इज इक्वल टू 1 रेशो 1। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। इस प्रकार Q BP का मध्य बिंदु है। BP का मध्य बिंदु है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर Q मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला ये होता है, x1 plus x2 upon में 2, y1 plus y2 upon में 2। तो हाँ जी, x1 x1 की जगह पे कौन आएगा? 2। x2 की जगह पे कौन आएगा? माइनस का 2 upon 2। y1 की जगह पे माइनस का 5 by 3 और y2 की जगह पे माइनस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में 2। बट 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 5 बाय 3 प्लस माइनस माइनस का 3 सॉल्व करेंगे। 2 में 2 गया 0 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3 3 जा 9। इसको सॉल्व करेंगे 3 अपॉन में 2। हाँ जी, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 0। और आपको तो पता ही है नंबर के नीचे ये खिसक के नीचे आ जाता है। तो माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 और ये नंबर खिसक के आ गया 3 अपॉन में 2। 2 से कैंसिल कर देंगे 7। तो Q पॉइंट आ जाएगा 0, -7/3। क्या आ जाएगा? 0, -7/3। करो इसे। नोट कीजिए बच्चों इसको। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके बस नोट करते जाओ, ठीक है? आज मैं लगभग 7.2 मोस्टली खत्म करा दूंगा, टेंशन ना लो। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। हाँ जी, 7 पॉइंट का क्वेश्चन, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेशो। देखो बच्चों, अब रेशो निकालने वाली बात आ गई। मतलब कह रहा है आपके पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट है माइनस 3 और 10, बी पॉइंट है 6 और माइनस 8, और इसको कहीं पी पॉइंट पे काटा गया है। और क्या पॉइंट है वो? माइनस 1 और 6। तो कह रहा बताओ कि अगर ये पॉइंट ए और बी को, इस ए बी लाइन को कोई सेगमेंट करता, कोई काटता है, कोई कहीं पे विभाजित करता है पी पॉइंट पे, और जो कि पॉइंट कितना है? माइनस वन और सिक्स। तो बताइए कि इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया गया, इस लाइन को किस रेशो में। और हमने क्या सीखा था बच्चों? कि जब हमें किसी का रेशो ना पता हो तो हम उसका रेशो क्या मान के चलते हैं? के रेशो वन। क्या मान के चलते हैं? के रेशो वन। ये कब सीखा था हमने बच्चों? ये हमने सीखा था अभी लास्ट क्लास में, जब आपको फॉर्मूला करवाया गया था। और अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी हमें क्या ना पता हो, जब भी हमें
रेशो ना पता हो तो के रेशो वन मानते हैं, क्या मानते हैं, के रेशो वन। और यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द गिवन पॉइंट पी माइनस वन सिक्स डिवाइड्स द लाइन ए बी, यहां लेट करना, लेट द गिवन पॉइंट पी डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ के रेशो वन, इन द रेशो ऑफ के रेशो वन। हिंदी वाले लिखेंगे माना बिंदु पी माइनस वन और छे ए बी रेखा को के अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो तो फिर लग जाते हैं काम पे। नाउ P पॉइंट K X2 प्लस में X1 अपॉन में K प्लस 1, K Y2 प्लस में Y1 अपॉन में K प्लस 1, P K X2 कितना है 6, X1 कितना है माइनस 3, K प्लस 1, K Y2 कितना माइनस 8, Y1 कितना है 10 अपॉन में K प्लस 1, 6K माइनस 3K प्लस 1, माइनस 8K प्लस 10 अपॉन में K प्लस 1। ठीक है, और P पॉइंट आपको पहले से ही कितना दिया हुआ है, माइनस 1 और 6। अब देखेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं तो कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट के कॉमा के आगे वाला x एक्सिस होता है, कॉमा के पीछे वाला y एक्सिस का होता है, कॉमा के आगे वाला x एक्सिस का होता है, कॉमा के पीछे वाला y एक्सिस का होता है, ये हमने चैप्टर की शुरुआत में सीख रखा है। तो बस क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, और तुलना जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, हाँ जी, x एक्सिस को x एक्सिस वाले से कंपेयर करेंगे और y एक्सिस वाले को y एक्सिस वाले से कंपेयर करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी, आप दोनों को कंपेयर करो, आप किसी को भी कंपेयर कर लो, आंसर बच्चों बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम। क्यों? क्योंकि इसमें भी सिर्फ k वेरिएबल है और इसमें भी सिर्फ k वेरिएबल है, जब एक ही वेरिएबल है तो सॉल्व भी एक ही बार करेंगे, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, बात एक ही है। तो मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं, सिक्स इज इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1, ये बच्चों यहां पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो यहां आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, वन को इससे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6K, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का 8K बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8K, प्लस का 6 यहां के माइनस, 8 और 6 14 के, 10 में 6 गया 4, 14 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। नाउ नाउ द रेशो ऑफ लाइन सेगमेंट इज, हाँ भाई, रेखाखंड का अनुपात है, हाँ भाई क्या अनुपात है बच्चे, K रेशो 1, यही माना था ना हमने, लाइन सेगमेंट का रेशो K रेशो 1 माना था, और K की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2/7। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है, रेशो कभी भी किस में नहीं आती है, फ्रैक्शन में नहीं आती है, और अगर मान लो आ जाए तो क्या करें, तो भाई इसका एक सोल्यूशन है क्या, कि जितना फ्रैक्शन में वैल्यू है अपॉन में जितनी वैल्यू है उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 7 है तो 7 से कर दो, 4 है 4 से कर दो, 20 है 20 से कर दो, 15 है 15 से कर दो। ठीक है, तो बस 2 अपॉन में 7 इंटू 7 और 1 इंटू में 7, सबको 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 कट गया 2 और 7 अंजा 7, तो बच्चों रेशो कितना आ गया हमारे पास, 2 रेशो 7, कितना आ गया, 2 रेशो 7। जल्दी उतारो इसको, जल्दी नोट करो,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। ये वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट। देखो सब कुछ वही है सेम, ठीक है। मैंने क्यों मिटा दिया यार, चलो। ए क्वेश्चन है 1-5 और बी पॉइंट है आपके पास -4 और 5। अब आपसे कहा गया कि इसको ना कहीं पी पॉइंट पे काटा है, इसको पी पॉइंट पे काटा है, तो बताओ। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, आपसे बोला क्या है कि आपके पास ए पॉइंट और बी पॉइंट दो पॉइंट हैं और इसको पी पॉइंट पे कहीं पे काटा है, लेकिन लेकिन पी पॉइंट जहां पे कटा है वो एक्स एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। और प्यारे बच्चों आपसे ये बात हमने पहले ही कर ली है क्या कि एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0। ये बात हम लोगों ने लास्ट से लास्ट क्लास में ही बात करके खत्म की थी। और आपसे यही बोला गया है कि ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, और जब ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि एक्स तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। रीजन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अब हमें रेशो पता करना है, तो रेशो हम क्या मान के चलेंगे? के रेशो 1। क्या मान के चलेंगे? के रेशो 1। तो यहां पर लिखेंगे Let the point P, P x 0, which divides the line AB in the ratio of K ratio 1. माना बिंदु P x 0 AB रेखा को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। पल्ले पड़ रही है मेरी बात सभी बच्चों को? चलिए नाउ अब क्या करना है बच्चों? अब पी पॉइंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा के? रेशो के एक्स टू प्लस में एक्स वन अपॉन में के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। चलिए P पॉइंट क्या है आपका? X और 0। K K है, X2 है आपका -4, X1 है आपका 1, K प्लस 1, K K रहेगा, Y2 5 है प्लस Y1 -5 है, K प्लस 1। और ये आ गया बच्चों X0 -4K प्लस 1, K प्लस 1, 5K -5, K प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ? कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा अब क्या करेंगे? बाय कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तुलना करने पर। हाँ जी, अब जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो x को x से कंपेयर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x भी एक वेरिएबल है और k भी एक वेरिएबल है। लेकिन जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई, क्योंकि ये जो है कौन, ये दोनों कंपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो बस कंपेयर कर दो। By comparing, 0 की comparison किससे करोगे? 5k minus 1 और k plus 1। तो बस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इस पूरे ये पूरा divide कर रहे हैं, यहाँ के multiply, ये इधर आके multiply। तो क्या बनाएंगे ये? 0 multiply में k plus 1 और 1 multiply में 5k minus 5। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से multiply होके कोई भी 0 बन जाता है, minus 5 इधर आके बच्चों plus का 5 बनेगा, और 5 यहाँ पे multiply कर रहा है, इधर आके divide करेगा। 5 से 5 कट गया 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो द रेशो ऑफ लाइन सेगमेंट इज क्या है भाई? k रेशो 1 और k की वैल्यू 1:1। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? रेखाखंड का अनुपात है, पाथ है,
कितना अनुपात है, 1:1। लेकिन साथ और भी कुछ पूछा है कि एक्स पॉइंट भी बताओ, शायद ये भी पूछा है। हाँ तो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, और हमें साथ ही साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो क्या करेंगे अब, बाय कंपेयरिंग जब ये निकाल दिया तो बाय कंपेयरिंग हम ये भी निकाल देंगे, ठीक है। नाउ कंपेयर करके एक्स बराबर किसके है, -4k+1/k+1। तो बस जहां जहां पे बच्चों k है, k की जगह पे क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, क्या रख दोगे, 1। तो ये हो जाएगा -4+1 और 1+1 2, 4 में से एक गया -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। सो द कोऑर्डिनेट इज, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों, x 0। कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 मतलब -3/2, 0 -3/2, 0। और हिंदी वाले लिखेंगे इस प्रकार निर्देशांक है, इस प्रकार निर्देशांक है -3/2, 0। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से, नोट कीजिए। इसके बाद करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से चलिए देखिए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 8। आपसे बोला गया है कि आपके पास दो पॉइंट है ए -2 -2 और बी 2 -4, और इसको एक लाइन काट रही है पी पॉइंट पे, एक लाइन काट रही है लेकिन हमें नहीं पता ये कितना है। लेकिन एक कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन दी गई है, क्या, नाउ द गिवन कंडीशन इज, द गिवन कंडीशन ऑन द लाइन ए बी इज, ए बी रेखाखंड पर दी गई स्थिति है, क्या स्थिति है कि एपी बराबर है 3/7 AB, एपी बराबर है 3/7 AB। अब देखो ये ए बी असल में यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हां कि ना, यही करेगा ना। अब अगर गौर से देखा जाए प्रोपोर्शनली, अनुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनल रूप से एपी की वैल्यू 3 हुई और एबी की वैल्यू 7 हुई, मतलब ए से लेके पी तक कितना हुआ, 3, जबकि ए से लेके बी तक कितना हुआ, 7। भाई इतना 3 है और पूरा 7 है, तो इतना क्या होगा, तो भाई पूरा जब 7 है और इतना ये 3 है, तो ये 4 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ 4 होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब एपी रेशो पीबी कितना आ गया, 4। तो यहां पर लिखेंगे, सो नाउ मुझे क्या निकालना है, एपी रेशो बीपी निकालना है, और क्या मैं एपी रेशो, क्या मैं बीपी को, बीपी को ऐसे लिख सकता हूं, पूरा एबी माइनस एपी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, एबी माइनस एपी लिख सकता हूं, और एपी है कितना, 3, एबी पूरा कितना है, 7, एपी कितना है, 3। तो जल्दी बताओ 7 में 3 गया 4, तो बताओ एपी रेशो बीपी कितना आ गया, 3:4 आ गया, कितना आ गया, 3:4 आ गया। अब आपको पता ही है दो पॉइंट दिए हैं, दो रेशो दिए हैं, पी पॉइंट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, नाउ सेक्शन फॉर्मूला, तो mx2+nx1/m+n, my2+ny1/m+n। कोई समस्या किसी बच्चे के लिए, m कितना है, 3, x2 कितना है, 2, n कितना है, 4,
एक्स वन कितना है माइनस टू अपॉन में तीन प्लस चार कॉमा एम कितना है तीन, वाई टू कितना है माइनस चार, एन कितना है चार, वाई वन कितना है माइनस का टू अपॉन में थ्री प्लस फोर। ठीक है सॉल्व कर दो, थ्री टू जा सिक्स, फोर टू जा माइनस एट और ये सेवन, ये माइनस का ट्वेल्व, फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व और ये प्लस माइनस माइनस, फोर टू जा एट अपॉन में सेवन। आंसर क्या आया, छह में से आठ गया माइनस दो बटा सात, बारह और आठ माइनस बीस बटा सात और आपका आंसर ये रहा। बस इतना सा करना था बच्चों और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तो इसलिए आप सभी को इस पे इंपॉर्टेंट लिख के काम करना है क्योंकि इसमें आपको रेशो बनाना पड़ रहा है। करो चलो बच्चों, नोट कर लिया आपने ये एट्थ क्वेश्चन नोट हो गया, बस वीडियो पॉज करते रहा करो और नोट करते रहा करो। चलिए फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एट्थ हो गया, सेवंथ और कर लेते हैं, सेवंथ और कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर, वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना। लो जी ये कह रहा आपके पास एक सर्कल है और ये है सेंटर और सेंटर से जा रहा है आपका डायामीटर, सेंटर से कौन जा रहा है डायामीटर। अब कह रहा है कि आपके पास जो सेंटर पॉइंट दिया हुआ है वो 2 माइनस 3 दिया हुआ है और जो बी पॉइंट दिया हुआ है वो 1 और 4 दिया हुआ है, तो कह रहा बताओ ए पॉइंट क्या होगा। तो बहुत सिंपल है यार, ये तो यहां पे लिख लो। अब इतना एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताना, ए से लेके ओ तक भी रेडियस है, ओ से लेके बी तक भी रेडियस है, तो अगर रेडियस से रेडियस कटा रेशो क्या आएगा, 1 रेशो 1, 1 रेशो 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और जब 1 रेशो 1 आ गया तो क्या O जो है वो AB का मिड पॉइंट वाला काम नहीं करेगा, जी बिल्कुल करेगा और वैसे भी वो सेंटर है, मिड पॉइंट का काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहां पे लिख देंगे O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, लाइन AB O वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी रेखा का मध्य बिंदु है। बस बात खत्म ना हो तो क्या करें भाई, ओ इज इक्वल टू ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो बस इसको एक्स और वाई यहां पे चाहो तो लेट पॉइंट ए ऑफ डायामीटर, तो डायामीटर का ए पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई, माना व्यास का बिंदु ए एक्स वाई। नाउ तो ओ पॉइंट निकालेंगे कैसे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। ओ पॉइंट कितना है 2 माइनस थ्री, एक्स वन कितना है x, एक्स टू कितना है 1, वाई वन कितना है y, वाई टू कितना है 4। अब आपको पता ही है बाय कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों में एक एक वेरिएबल है तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो दो की तुलना करेंगे इससे और माइनस तीन की तुलना करेंगे इससे, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दो बात खत्म। तो भाई 2 को 2 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को इससे करेंगे x प्लस 1, 2 को 3 से करेंगे माइनस 6, 1 को इससे करेंगे y प्लस 4, माइनस 1 प्लस 1 इधर आके माइनस तो कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 3, प्लस का 4 इधर आके माइनस तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10। ठीक है सो द पॉइंट A इज क्या बन गया, पॉइंट 3 माइनस 10, क्या बन गया पॉइंट A 3 माइनस 10। हिंदी वाले क्या लिखेंगे,
इस प्रकार बिंदु ए है, इस प्रकार बिंदु ए है, इस प्रकार बिंदु ए है, कितना 3 माइनस 10। अब जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवंथ भी हो गया, एट्थ भी हो गया, अब रह गया सिक्स्थ और नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ और करा देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। या चलिए नाइन्थ का सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आपको घर से ट्राई करना, हो जाए तो ठीक वरना मैं कराऊंगा, ठीक है? ए बी नाइन्थ में हिंट दे रहा हूं बस। ए पॉइंट है -2, 2, बी पॉइंट है 2 और 8, ठीक है? बी पॉइंट है 2 और 8। अब आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि भाई इसको ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? मान लो P, Q, R, और 4 इक्वल पार्ट का मतलब 1 रेसो 1 रेसो 1 रेसो 1, यही होता है ना। अब देखो, अगर मैं P को भी हटा दूं, R को भी हटा दूं, तो 1 रेसो 1 2 हो गया, 1 रेसो 1 2 हो गया, 2 से 2 कटेगा तो 1 रेसो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, हाँ कि ना? Q जो है वो ए बी का भी क्या है, मिड पॉइंट। तो आप क्या करो, ए बी में मिड पॉइंट निकालो, Q निकल जाएगा। फिर जो भी आपका Q पॉइंट आ जाए, फिर क्या करो भाई, P, ए क्यू में मिड पॉइंट का फॉर्मल निकालो, P आ जाएगा। फिर भाई R, फिर बी क्यू में मिड पॉइंट का फॉर्मल निकालो, क्या आ जाएगा? R। मतलब आपको 2 बार 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मल निकालना है, एक बार ए बी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर एक बार ए क्यू के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फिर एक बार बी क्यू के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीनों बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और आपका पी क्यू आर तीनों पॉइंट आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों इस तरीके से हमने ये खत्म किया आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये खत्म करवाऊंगा 7.2 और 7.3 शुरू करवाऊंगा, लेकिन वो इस साल के बच्चों के कोर्स से हट चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो जुड़ेगा, इसलिए हम 7.3 भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और हिंट मैंने दिया है 9th क्वेश्चन का, ये भी करिएगा, हो जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।